हाय गाइस, आई एम अमित एंड वेलकम टू नेक्स्ट लेवल। इस वीडियो में हम लोग एक लिटरेचर के नॉवेल के बारे में डिस्कस करेंगे, द वुमेन इन वाइट, जिसे कॉलिन्स ने लिखा था। यह एक सेंसेशन नॉवेल है। इसे पब्लिश कराया गया था 1859 में। यह एक मिस्टीरियस नॉवेल है। शुरू करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं, सो दैट स्टोरी समझने में आसानी हो। तो हमारे पास कुछ कैरेक्टर लिस्ट हैं जिन्हें मैं बता देता हूँ, सो दैट आपको स्टोरी समझते वक्त परेशानी ना हो। वाल्टर, ये एक ड्राइंग टीचर है लैम्ब्रिज हाउस में। ये अपने दोस्त की मदद से वहाँ ड्राइंग टीचर अपॉइंटेड हुआ है। यह एक ऑनेस्ट पर्सन है और सबों की मदद करता है। पूरे स्टोरी में मिस्ट्री को सुलझाने में ये सबों की मदद करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर एंड मिसेस फिरलाई। ये दोनों की डेथ हो चुकी है। इनकी दो बेटियाँ हैं, लॉरा और मरियन, जिसमें लॉरा इन दोनों की अपनी बेटी है, जबकि मरियन मिसेस फेरलाई की जो फर्स्ट मैरिज हुई थी उससे हुई है मरियन। अब इस लैम्ब्रिज हाउस का जो चार्ज लिए हुए है वो है फेडरिक, जो कि अब लॉरा और मरियन का गार्डियन है। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास एन कैथरिक, जो कि जेन कैथरिक की बेटी है, और एन लॉरा से मिलती जुलती है। मीन्स उनका जो फेस है एक जैसा है, तो लॉरा और एन एक जैसे दिखते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास सर ग्लाइड, जो कि एक ब्लैक वाटर पार्क के मालिक हैं और एक वेल्दी पर्सन है। ये एक नेगेटिव कैरेक्टर हैं स्टोरी में, जिनका एक असिस्टेंट है जिनका नाम है काउंट फेस्को। हमने सारे कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, अब नॉवेल को देखते हैं, आखिर है क्या नॉवेल में। वाल्टर एक समर नाइट में एक गली से गुजर रहा था। उसी समय उसे एक वाइट ड्रेस पहनी एक वूमन मिली। वो उसे एक कैब पकड़ने में मदद करता है, सो दैट वो कहीं जाना चाह रही थी तो उसे वहाँ जाने में मदद करने के लिए, वो कैब पकड़ने के लिए उस वूमन की मदद करता है। जब वो वूमन चली जाती है, उसके बाद वो दो आदमियों से मिलता है जो उस वाइट ड्रेस्ड वूमन को ढूंढ रहे थे। उसे पता चलता है उन लोगों से कि जो वाइट ड्रेस पहनी हुई थी वो मेंटल असाइलम से भागी थी। जब वाल्टर लैम्ब्रिज हाउस आता है तो वो मरियन, लॉरा और फ्रेडरिक से मिलता है। फ्रेडरिक, आपको पता होगा, जो अभी लैम्ब्रिज हाउस का चार्ज लिए हुए है, वो मरियन और लॉरा का गार्डियन है, क्योंकि लॉरा अभी तक मैरिड नहीं है। सो अभी पूरा लैम्ब्रिज हाउस फ्रेडरिक के चार्ज में है। जब लॉरा का शादी हो जाएगा, फिर लैम्ब्रिज हाउस लॉरा की प्रॉपर्टी हो जाएगी। उसके बाद जब वो मरियन से उस वाइट ड्रेस्ड वूमन के बारे में बात करता है, तो उसे पता चलता है कि जो मिसेस फेरलाई थी, वो जो वाइट ड्रेस्ड वूमन थी जिनका नाम था एन कैथरिक, उसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड थी। रीज़न ये था कि वो एन जो थी, जो वाइट ड्रेस पहने हुए जो वाल्टर को उस गली में मिली थी, वो लॉरा से बहुत अधिक, उसका चेहरा लॉरा से बहुत अधिक मिलता था। वो दोनों सेम दिखती थी। बाद में लॉरा और वाल्टर एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। फिर बाद में जब वाल्टर को पता चलता है कि लॉरा ऑलरेडी इंगेज्ड है सर ग्लाइड के साथ, तो उसे बहुत बुरा लगता है। सर ग्लाइड एक ब्लैक वाटर पार्क का ऑनर है, वेल्दी पर्सन है और रेस्पेक्टेड पर्सन है। जब लॉरा के मोम डैड की डेथ नहीं हुई थी, उस समय उसके डैड ने उसकी जो इंगेजमेंट थी वो सर ग्लाइड से करा दी थी। भले ही वो वाल्टर से लव करती थी, लेकिन वो सर ग्लाइड से शादी करना चाहती। रीज़न ये था क्योंकि वो अपने फादर को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करती थी। जब वाल्टर को पता चलता है कि लॉरा का इंगेजमेंट ऑलरेडी हो चुका है सर ग्लाइड के साथ, तो वाल्टर वहाँ से चला जाता है। एन लॉरा को बार बार समझाती है कि वो सर ग्लाइड से शादी ना करे। रीज़न ये था कि एन ग्लाइड के बारे में बहुत कुछ जानती थी जो लॉरा को पता नहीं था। यही रीज़न था कि एन को सर ग्लाइड ने असालम में डलवाया था पागल घोषित करके, जहाँ से फिर बाद में वो भागी थी। एन के समझाने पर भी लॉरा सर ग्लाइड से शादी कर लेती है, जिसमें सर ग्लाइड को इकोनॉमिकली बहुत बेनिफिट हो रहा था, लेकिन लॉरा को कुछ भी बेनिफिट। शादी के बाद लॉरा और सर ग्लाइड हनीमून के लिए इटली चले जाते हैं 6 महीने के लिए। फिर
फिर जब वो वापस आते हैं तो मरियन उनके पास जाती है, तो वो वहाँ देखती है कि ब्लैक वाटर पार्क में वहाँ पे सरग्लाइड है, लॉरा है और उसके साथ उसका फ्रेंड काउंट फेस्को। मरियन को अब सरग्लाइड की एक्चुअल पोजीशन के बारे में पता चलता है। वो बहुत ही अब्यूजिव पर्सन है, वो कंट्रोलिंग हस्बैंड है और वेल्दी भी नहीं है। उसका फाइनेंशियल जो सिचुएशन है बहुत ख़राब है और वो सिर्फ लॉरा के जो पैसे थे उसे चाहता था, इसलिए वो लॉरा के पैसों को पाने के लिए योजना बना रहा था। मरियन ये सब लॉरा को बताना चाहती थी इससे पहले कि मरियन सरग्लाइड के प्लान के बारे में लॉरा को बता पाती, वो बीमार हो जाती है। इसी समय सरग्लाइड और फोस्को प्लान बनाते हैं। सरग्लाइड लॉरा को बताते हैं कि मरियन घर से भाग चुकी है और लॉरा को लंदन भेज दिया जाता है, ये कहकर कि मरियन अभी लंदन में है ताकि वो उससे मिल सके। और अचानक लॉरा लंदन में बीमार हो जाती है और उनका डेथ हो जाता है। उसी समय एन असालम में वापस आती है। अब क्योंकि लॉरा का डेथ हो चुका है तो सारे प्रॉपर्टी सरग्लाइड के नाम पे आ जाता है। मरियन जब ठीक होती है तो वो एन से मिलने जाती है, क्योंकि लॉरा का डेथ हो चुका है सो वो एन को इस बारे में बताना चाहती है, इसलिए वो असालम जाती है। पर जब वो असालम पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर लॉरा है, तो उसे ये पता चलता है कि असल में बीमारी के कारण एन की डेथ हुई और उसके जगह पर लॉरा को असालम में डाल दिया गया और सारे प्रॉपर्टी सरग्लाइड ने हथिया लिया। फिर वो किसी तरह लॉरा को वहाँ से छुड़ाती है और वे लंदन चले जाते हैं। वहाँ वे वॉल्टर को मिलते हैं और फिर लॉरा की आइडेंटिटी को फिर से वापस लाने के लिए कुछ योजनाएं बनाते हैं। जब वे सर ग्लाइड के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सर ग्लाइड आखिर हैं कौन। वो एक इलिजिटिमेट सन है, एक हाई सोसाइटी में रहने वाले एक मेल का और एक लो सोसाइटी में रहने वाली एक वूमन का, और उनका कोई पेरेंट नहीं है, वो एक ऑर्फन है। असल में वो ब्लैक वाटर पार्क के ना मालिक हैं और ना ही उनके पास कोई प्रॉपर्टी है। उन्हें ये भी पता चलता है कि एन, जो कि मिसेस फेरलाई की बहुत क्लोज थी, वो मिस्टर फेरलाई की एक इलिजिटिमेट डॉटर थी, क्योंकि मिस्टर फेरलाई के रिलेशन थे जेन कैथरिक के साथ। सरग्लाइड अपने जो नकली डॉक्यूमेंट थे जलाने के लिए जाता है और वो उस आग में खुद जलकर मर जाता है। सर ग्लाइड की डेथ के बाद अब ज़रूरी था लॉरा की आइडेंटिटी को वापस लाने का, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी लॉरा के नाम थी और जिसके जरिए ये सारे प्रॉपर्टी सर ग्लाइड के नाम पे हो चुकी थी। सर ग्लाइड का जो दोस्त जो असिस्टेंट था फोस्को, उसे पकड़कर कन्फेशन लिखवाया जाता है कि कैसे उन लोगों ने योजना बनाकर लॉरा के सारे प्रॉपर्टी को हड़प लिया है। फोस्को कन्फेशन लिखता है और बाद लॉरा की आइडेंटिटी वापस आ जाती है। उसके बाद उसे अपनी प्रॉपर्टी मिल जाता है। उसके बाद लॉरा वाल्टर से शादी कर लेती है। इस तरह से इस नॉवेल का हैप्पी एंडिंग होता है। आई थिंक आपको समरी समझ में आई होगी।